हे फ्रेंड्स, तो क्विक अपडेट में बात करते हैं वांडा यानी कि स्कारलेट विच के बारे में, जिसे लेकर माय टाइम टू शाइन वालों की तरफ से कंफर्मेशन की जा रही है कि इस प्रोजेक्ट पर यानी कि स्कारलेट विच के सोलो प्रोजेक्ट पर डेफिनेटली एमसीयू काम कर रहा है, क्योंकि रिसेंटली रिपोर्ट एलिजाबेथ ओल्सन के कॉन्ट्रैक्ट को भी लेकर निकल कर आई थी कि उन्होंने एमसीयू में टोटल 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा लिया है, जिसका मतलब यही है कि उन्हें लेकर अब एमसीयू के यूनिवर्स में कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, जिनमें से अब स्कारलेट विच का सोलो प्रोजेक्ट भी रहेगा। जो एक्चुअल में किस डायरेक्शन में जाने वाला है उसका पता तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को देखकर ही लगेगा, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उस फिल्म के प्लॉट के अकॉर्डिंग वांडा अपने बच्चों को ढूंढने जाएगी, जिस चक्कर में वो पूरी तरीके से करप्ट होने वाली है, वो भी हाँ डार्क एनर्जी को ही लेकर, और बाद में उसे किस तरीके से बैलेंस किया जाता है और क्या वो अपने मकसद में कामयाब होती भी है या नहीं, अगेन वही सारी की सारी डिटेल हमें वो फिल्म दिखाएगी, जिसके बाद का डायरेक्शन माय टाइम टू शाइन वालों की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आगे कंटिन्यू किया जाएगा कि वांडा अब इस यूनिवर्स में विलन है या फिर अवेंजर्स की टीम का हिस्सा, जिस पर अब पूरी के पूरी डिटेल को कवर कर मैं अपने मेन चैनल पर आपको उसकी पूरी की पूरी अपडेट दे दूंगा। क्योंकि अब इस क्विक अपडेट में इतना ही, मैं हूं अजीज शेख, मिलूंगा आपसे जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।